दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हो आप लोग? थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, हड्डी के बारे में आज जान रहे हैं। हड्डी जो होती है अपनी, वो कैसे टूटती है, क्यों टूटती है, क्या उसके मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे कि देखा जाए तो हड्डी जो होती है वो कैल्शियम और फॉस्फरस की जो होती है उससे वो मजबूत होती है। वो होता है हड्डी के अंदर कैल्शियम, और तो उस वजह से होती है। और इसके दो रीज़न होते हैं जैसे कि टूटना। तो पहला तो रीज़न जो कि मेजर रीज़न है जो कि हम लोगों का है, वो है ये अपना एक्सीडेंट होना या पैर में लग जाना, उसकी वजह से हड्डी टूट जाती है। और दूसरा रीज़न है जो कि अंदर से हड्डी कमज़ोर होती है। तो जो ये ट्रॉमा वाली होती है उसे तो एक्सीडेंट वाला जो होता है उसे बोला जाएगा ट्रॉमा वाला। और जैसे कि जो अपना जो अंदर से शरीर के अंदर से वीकनेस होती है, जो एज के हिसाब से भी, जैसे कि एज बढ़ जाती है, एज ज़्यादा हो जाती है, या अभी अंदर से बचपन से भी किसी किसी की हड्डी की जो है कमज़ोर हो जाती है, तो उसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। और ये अपना ट्रॉमा वाला जो कि एक्सीडेंट की वजह से हो जाता है। तो बेसिकली हड्डी जो होती है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का मिलाव रहता है, तो उससे वो मजबूत रहती है। जो अगर वही अपनी टूट गई है, तो जैसे अगर ये अपनी टूट गई है तो जैसे इसके अंदर भी, जैसे कि मैंने बताया ट्रॉमा फ्रैक्चर, तो इसके अंदर भी प्रकार हैं। तो किसी का जैसे टूट जाता है, नॉर्मल टूट जाता है, और उसके अंदर भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो जैसे कि अगर किसी का कम टूटा है, तो जैसे कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है, तो 60 जैसे 45 डेज हो गया, 60 हो गया, 90 डेज हो गया, वो फ्रैक्चर के लिए हम लोग जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टर लगाते हैं डॉक्टर सर, और हेयरलाइन जो कि उसको स्टेबल रखना रहता है, ऐसा हाथ हो गया या पैर पे लगाते हैं, तो उसे वो प्लास्टर लगाते हैं जो कि नॉर्मल भी नहीं है, उसमें भी पेन होता है। तो वो 60-45 डेज या ऐसा रख के, या पैर पे भी होता है तो पैर पे भी लगाया जाता है। तो बेसिकली ये नॉर्मल वाला हो गया। और फिर अपना वाला जो होता है वो जो कि टूट के साइड हो गया है या टूट गया है, तो उसके लिए जो है प्लास्टर से काम नहीं चलता, उसके लिए ऑपरेशन ज़रूरी है। अंदर प्लेट डालनी ज़रूरी होती है, नेलिंग रॉड हो गया, प्लेट हो गया, अभी ये लिजवर चल रहा है तो ये वाला हो गया, या रिंग वाला जो नीचे मुझे लगा था, तो उससे फिर वो हड्डी को वहाँ पे स्क्रूइंग करके जो है ऑपरेशन सर्जरी के ज़रिए आपको वहाँ पे लगाया जाता है, जो कि मेजर फ्रैक्चर में होता है नॉर्मली, जो कि टूट जाता है, जिसे कंपाउंड फ्रैक्चर बोल लीजिए, ओपन फ्रैक्चर, डिस्टल फ्रैक्चर, मतलब जो टूट गया है साइड हो गया। और तो उस हिसाब से वो जो होती है सर्जरी की जाती है। और जैसे कि ये धीरे धीरे जैसे आपका ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन होने के बाद में उसके अंदर कैल्शियस हड्डी के अंदर बोन जैसे कि चालू हो जाते हैं फॉर्मेट होना, बनना, पैदा होना, सर्जरी होने के बाद में, कुछ दिनों बाद में, तुरंत नहीं, कुछ दिनों बाद में, तो कैल्शियस बोलते हैं उसे। और वो धीरे धीरे जैसे वीक हफ्ते चले जाते हैं, तो उस हिसाब से वो फिर हार्ड कैल्शियस बनते हैं और मजबूत। और उसी प्रकार जिसकी अंदर से हड्डी बहुत अच्छी है, या खाना पीना अच्छा है, या एक्सरसाइज कर रहा है, ग्रोथ अच्छी है, तो वो जल्दी से जल्दी 3-4 वीक में उनका जो रिज़ल्ट होता है वो समझ लीजिए बहुत ही अच्छे से, मतलब हो जाता है। और जो जिसका प्रॉब्लम होता है, जैसे कि नॉन यूनियन बोलते हैं, वो इन्फेक्शन की वजह से नॉर्मली होता है, जिसका मांस के अंदर, जैसे हड्डी टूट के मांस को भी तकलीफ दे दिया, हड्डी जैसे टूट के अंदर मांस होता है अपने बॉडी के अंदर, मसल्स होते हैं, उसको भी तकलीफ, मतलब ऐसा टूट के साइड हो गया,
फिर वो नॉन यूनियन में चली जाती है। फिर उसके लिए जो है हमें नॉन यूनियन उसको जैसे कि ज्वाइंट ही नहीं हो रही है तो फिर उसको बोन ग्राफ्टिंग किया जाता है। तो ये बोन ग्राफ्टिंग फिर उसके लिए किया जाता है जो कि नहीं ज्वाइंट होती है, उसी के लिए जो कि नॉन यूनियन रहती है, जो कि जैसे मैंने बताया ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो ज्वाइंट नहीं हो रही है, नॉन यूनियन है, एकदम बेकार एक्सीडेंट आपका हो गया है, ओपन फ्रैक्चर, ओपन वुंड, मतलब वुंड भी हो गया या तो मांस बाहर आ गया है तो इन्फेक्शन होगा, तो उनके लिए फिर वो बोन ज्वाइंट नहीं होती है, तो उसके लिए फिर वो लास्ट जो ऑप्शन होता है ये होता है बोन ग्राफ्टिंग, जिनका छः महीना हो गया, 7 महीना हो गया, 4-5 महीने के ऊपर हो गया, कोई बोन में जॉइंट दिख ही नहीं रहा एक्सरे में जब विजिट को जाते हो, तब वो नॉन यूनियन में उसको डिक्लेयर, मतलब धीरे धीरे डॉक्टर लोग देखते नेक्स्ट मंथ बुलाते, फिर भी नॉन यूनियन है तो उसको फिर बोन ग्राफ्टिंग के लिए सजेस्ट करते हैं। फिर बोन ग्राफ्टिंग में वो जो बोन होती है वहाँ डाली जाती है उसके टिश्यूज़, तो जहाँ पे ज्वाइंट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से या नॉन यूनियन रहता है तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो उसकी वजह से नहीं ज्वाइंट होती है। तो दो रीज़न जो मैंने आपको बताया मुझे पता है, इन्फेक्शन और जो कि वो वहाँ पे डेड हो चुकी है हड्डी वहाँ पे, जो कि 4 महीने से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेट या सर्कुलेशन जो भी ऑपरेशन हो के 4 महीना हो गया अभी तक ज्वाइन नहीं हुई, 5 महीना हो गया तो सर्कुलेशन नहीं है मास मसल्स का, और होता है कुछ कुछ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, डिपेंड ऑन योर बॉडी के अपने खुद की उसके ऊपर भी है, तो उस वजह से बोन ग्राफ्टिंग फिर लास्ट में किया जाता है। और ज़रूरी नहीं है बोन ग्राफ्टिंग से ही बोन ज्वाइंट हो जाए, आप अगर वेट करेंगे तो भी होता है। मैंने पहले वाले में मेरा वेट किया था, जब मैं एकदम हार गया तब मैंने बोन ग्राफ्टिंग किया है। तो किसी किसी का लेट भी होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ, पहले जिसका होता है उसका जल्दी से कैल्शियस हार्ड हो जाता है, बोन जल्दी जॉइंट हो जाती है, और वो लोग लकी पर्सन है तो उन लोग के लिए तो बेस्ट है ये सब। तो दोस्तों यही थोड़ी सी जानकारी थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।